एक बहुत ही रोचक कथा है। एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर रह जाते। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर एक घंटा प्रवचन करते थे। वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजी कहते हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं इसका कोई सबूत दीजिए, आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूं आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहां रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊँची उठाना, यदि आपने गद्दी ऊँची कर दी तो समझना कि हनुमान जी यही हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, आप पराजित हो गए तो क्या करोगे। पंडित जी ने कहा, मैं कथा वचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया, श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे, गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगल आचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है, मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई, वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा उन्होंने तीन बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी तो पकड़ना दूर की बात है, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते हैं। जय जय श्री राम।